वो जो खुलने में आसानी करती है, ये चीज़ को इख्तियार में लाओ। मुझे रिजल्ट मिला था इसके लिए मैं स्टार्ट किया हूँ। मैं बोला ये चारा मैं ना ज़्यादा खिलाया नहीं, एक दो बार ही खिलाया हूँ, मगर मैं अभी इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ। ये जो चारा मैं ला रहा हूँ ना, तो माही बिंदास जाती है सुल्तान का ट्रे लेके आने। साढ़े दस बज गए और आज जिम जाने का बहुत एक्साइटमेंट है। जिम जाने से पहले गोट रूम में तो जाते हैं, हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। फटाफट जाके पहले हरी पत्ती रखते हैं, फिर जाते जिम। माही आमना आ जाते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं। चलो मैं अभी फटाफट रख करता हूँ अपना काम और निकलता हूँ जिम में। आज क्या है मेरा, तो आज है हमारा चेस्ट और ट्राइसेप्स, और वही 30 सेकंड ब्रेक के बाद फिर से वर्कआउट करना है। ऐसा वाला वर्कआउट में जान निकल जाती है, मगर मज़ा भी आता है। एक्साइटेड हूँ मैं फिर से वर्कआउट स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि अभी जो मैंने खाना है बस अल्लाह उसमें कामयाबी दे दे, वो जल्दी जल्दी रिजल्ट दिखेंगे। अब बोलेंगे नहीं हम, अब आप लोगों को दिखेंगे इंशाल्लाह रिजल्ट। आप लोग ये जो फुटेज देख रहे हो, ये देख रहे हो आईफोन से, आईफोन और अपना कैमरा और GoPro, ये तीन की फुटेज होती है, तो आप लोगों को फर्क समझ में आ जाएगा। Potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Fire in my eyes, stir counterclockwise. I dream of you all night. This is the moment, no turning back. One drop on your lips and the spell will take effect. Under the moonlight, stay close to my side. We're burning so bright. बारह बीस हो गए और हमारा वर्कआउट भी हो गया फटाफट से ख़त्म। एक रील बनाया मैंने, वर्कआउट के सेशन डाला, इसमें मज़ा आ गया। आज तो एक जन मिल गया सपोर्ट के लिए, करके होगा नहीं तो नहीं होता था। वो भी अपने चैनल को सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं, हमारे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं उनको, आपको अच्छे लगते हैं या नहीं लगते। चलो बताओ ज़रा, एक रील बना के डाल रहा हूँ इंस्टा पे, देखो दो रील डालनी पड़ेगी आज बनाकर। क्या चल रहा है, बर्फ वाला जूस जल्दी जल्दी पियो, कड़वा हो जाएगा। कौन बनाया, दादी। सही है। देखो अब हम ये जूस भी नहीं पी सकते, हमारी डाइट में नहीं है जूस, मतलब फ्रूट नहीं है हमारी डाइट में। बस बाकी खाना हम लोग, हमको अच्छा मिल जाता वही काफ़ी। आज मैं बगैर ब्रेकफास्ट के गया था, एम्प्टी स्टमक वर्कआउट किया, वर्कआउट तो बहुत बढ़िया हुआ, मगर उसके बाद जब तक खाएंगे नहीं, जब तक चैन का पड़ता है, इसके लिए फटाफट खाया, फ्रेश हो गया। पियो पियो, कड़वा है, मैं नहीं पी सकता। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं। लास्ट जो इसके पहले वाली फुटेज थी उसमें मुझे ज़बरदस्ती कर रहे थे जूस पीने के लिए, मगर मैंने नहीं पिया क्योंकि मैंने ठान लिया अभी नहीं, और नहीं तो नहीं, कोशिश करेंगे पूरी कि डाइट अभी नहीं टूटेगी। देखो बकरे आराम कर रहे हैं, ये देखो जॉन अंकल ने निकालने बोले, और देखो ये अभी तक यहीं पर पड़ा है, मुझे फिर से अभी यहाँ पर नीचे साफ़ करना है, और इसके पहले जो साफ़ करके रखा हुआ था वही अभी तक नहीं गया, तो क्या करेंगे। ये दोनों आ गए बाहर अपनी कल की जगह पर, यहाँ पर मुफासा और यहाँ पर सुल्तान। हटो, हट जाओ भाई, हट जा, हट जा। यहाँ पे फिर अभी आराम से हम लोग साफ सफाई कर सकते हैं, टेंशन नहीं। तो बाहर रहो थोड़ी देर,
सांप भी हो गया, जानवर भी आ गए अपने गोट रूम में अपनी जगह पर, और वो तीन पोते हो गए। जाने कब आकर ले जाएंगे जॉन अंकल ये पोते, तो यहाँ से थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे काम होने वाला है शुरू, बहुत जल्द काम शुरू होने वाला है। अपडेट दिखने वाली है आपको गोट रूम की रिनोवेशन। गोट रूम की रिनोवेशन मतलब पूरा रिनोवेशन नहीं होने वाला है, कुछ चीज़ें चेंज होने वाली है, और ना आप लोगों को आगे जाके बहुत मज़ा आने वाला, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। चलो अभी जस्ट मैंने जो रील सवेरे शूट किया था वो बनाया और अपलोड कर दिया इंस्टाग्राम पर। ऐसे ही आप लोगों के कमेंट्स पड़ रहा था आज वाली वीडियो में, जो आप लोगों ने कल देखा। आप में से कोई एक भाई बोल रहा है कि बकरों की वीडियो बनाओ। देखो भाई, अपने घर पे जो बकरे उसकी तो वीडियो बनती ही रहती है, और बाहर कहीं मैं घूमने जाता हूँ तो वहाँ पर भी मैं शूट कर लेता हूँ, मगर स्पेशली आप लोग अगर बोलोगे कि सिर्फ बकरों की वीडियो बनाओ तो वो मैं बना नहीं पाऊँगा। वैसी वीडियोज़ बनाने वाले बहुत लोग हैं, उनको उनका काम करने देते हैं, हम तो हमारा शौक कर रहे हैं, हम शौक को कंटिन्यू करेंगे। और डाइट के लिए भी पूछ रहे हो, एक दिन बताता हूँ डाइट कैसी बनती है, क्या बनती है, क्या क्या खाता हूँ। नॉर्मली यही खाता हूँ मैं, बनाने वाले को भी तकलीफ़ नहीं, खाने वाले को भी तकलीफ़ नहीं, बड़ी अच्छी लगती है। आज तो गाजर भी ऐड हो गए इसमें, वाह देखो। अगर बकरे दिखाने की बात है तो आप लोग देख ही रहते हो आप लोग रोज, और कहीं पर मैं जाता हूँ तो वहाँ दिखाता हूँ ना आप लोगों को। क्या हो गया भाई, क्यों चिल्ला पुकार कर रहे हो? जैसे अभी मैंने जो अपने उस्मान भाई है उनके फार्म पर वो बड़ा पंजाबी शूट किया था वो दिखाया, अलियुम तो अपना फार्म है वहाँ पे जाते रहता हूँ वहाँ के दिखाता हूँ। ज़रूरी नहीं है ना कि हर जगह घूमूँ और बकरे ही दिखाऊँ। अपने जानवर संभालते संभालते और अपने सारे काम करते करते ही दिन निकल जाता है, बाकी ये दूसरे बकरों के कब शूट करेंगे यार। और वैसे भी अगर जब करना होगा ना कर ही देंगे डायरेक्ट बोल कर। ये सब छोड़ो ना, ये बातें तो होते रहेगी। आप लोगों को ये जानना है कि बकरे की पेटी जो होती है उसकी चौड़ान कैसे खोलते हैं, तो बताऊँ? सुनो, मैंने आपको पिछले शॉर्ट में बोला कि बकरे की पेटी खोलने के लिए एक छोटा सा चेंज करना पड़ता है फीडिंग में, अगर हो जाती है तो। वो शॉर्ट लेके हो गया 2 घंटा, मगर आपको तुरंत दिख रहा है शाम के 5 बज गए, फीडिंग का टाइम हो गया है, तभी हम लोग बकरों को फीड डाल देते हैं। पेटी कैसे खुलती है मुझे किसी ने बताया था, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्या इतना प्यार, बस करो उनको खाना खिलाने का है, इतना प्यार मत करो। देखो ये अपना नॉर्मल चना ही है मगर भिगाया हुआ है, इससे होगा 2 फायदा। ये देखो, देखे गलत निकला, एकदम भीग के गल गया है। ये देखो, इससे होगा 2 फायदा, एक डाइजेस्ट करने में जानवर को आसानी देगी, और दूसरा पेटी की जो चौड़ान बोलते हैं ना, पेटी खुलना, जो बकरे का जो पेट रहता है उसको पेटी बोलते हैं, तो वो जो खुलने में आसानी करती है। ये चीज़ को इख्तियार में लाओ, मुझे रिजल्ट मिला था इसके लिए मैं स्टार्ट किया। मैं बोला ना ठंडी आने दो, फिर तुमको बताता हूँ एक 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 यहाँ पे शुरू हो गई है, कर रहे हैं हम। अभी जाते हैं हरा चारा लेके आते हैं। ये चारा मैं ना ज़्यादा खिलाया ना, एक दो बार ही खिलाया हूँ, मगर मैं अभी इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ। ये जो चारा मैं ला रहा हूँ ना, इसके फ़ायदे नुकसान ज़रा मुझे बताना, क्योंकि मुझे इस चारे के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है। ये इस घास की बात कर रहा था मैं, बताया मुझे इसके बारे में, क्या है ये, कैसी है, बकरों को खिलाने लायक है भी या नहीं। चलो मुफासा में तो फर्स्ट राउंड क्लियर भी कर दिया, सुल्तान ने भी कर दिया है ऑलमोस्ट, और नूरा ने रखा है। चलो इसको रख देते पहले अपनी जगह पर। बताओ मुझे इसके बारे में, ये घास के बारे में बताओ, मुझे ज्यादा मालूम नहीं, बस मुझे इतना मालूम है कि इसमें वाटर ज्यादा है और ये खाते हैं और यूरिन ज्यादा करते हैं जानवर। ये कौन सा गाना है भाई? चलो आ रहे क्या वोट रूम में? हाँ। ग्रीन फीड खिलाने आ रहे? हाँ। दीदी किधर है? चलो तुम्हारी हो गई। हाँ। चलो फिर चलो खिला देते ना, वो लेके आया वो। चलो माही तुम तो मेरे से फर्स्ट आ जाते। हाँ दीदी के लिए तो रुकने का ना। चलो पहले देखो फीड खत्म किए क्या? ये तो आज भी आ गई। मैडम जी आपकी जगह बाहर है, मैडम जी बाहर जाइए। सेकेंड राउंड में थोड़ा सा रखा है, खिला देता हूँ। वो वाला सुल्तान का ट्रे ले लो। देखो ये माही बिंदास जाती है, सुल्तान का ट्रे लेके आने चलिए। लाओ ये लाओ, फेंकना नहीं, खत्म कर दिया इसमें। वेरी गुड सुल्तान। ये टाइम पे हम लोग हमेशा हरी पत्ती डाल देते थे,
अभी हरी पत्ती नहीं डालेंगे, ये जो ग्रीन फीड लेके आए वो ही डाल देंगे। मेरे को बताओ जरा इसके बारे में, अगर इसका कोई फायदा होगा ना तो मैं कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। पहले इतना खिलाओ तुम लोग, तुमको खिलाने का, तुम्हारे हाथ से इतना खिलाओ, फिर बाद में मैं डाल दूंगा। हेलो, तुम मुफासा को खिलाओ। खा रहे क्या? ऐसा नहीं खिलाने का, ऐसा पकड़ो, ऐसा डायरेक्ट ऐसा। सुल्तान खा रहा है, मुफासा नहीं खा रहा। नहीं खा रहा मुफासा, सुल्तान खा रहा मगर। हाँ खाने, सुल्तान को खाने दो। अभी नूरा भी खा रहा है, बढ़िया है। मुफासा क्यों नहीं खा रहा, देखते खाएगा, खाएगा नहीं खाया तो हरी पत्ती खिला देगी उसको। सुल्तान अच्छा खा रहा है शौक से। हाँ माही सही है, चलो खिलाओ। देखो मुफासा के सामने भी रखे है, सुल्तान के सामने भी रखे, मगर सिर्फ सुल्तान अच्छे शौक से खा रहा है और नूरा भी नहीं खा रहा। देखते हैं कि पहले भी ऐसा ही हुआ था, इसके लिए मैंने बंद कर दिया था। अगर खाए तो ठीक, नहीं खाए तो फिर अपनी हरी पत्ती जिंदाबाद। चलो अभी मैं जाता हूँ, बहुत सारे काम बचे वो करना है मुझे। बच्चे लोग भी चले गए अपनी स्टडीज कम्प्लीट करने के लिए। अभी बने रहो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जो बहुत काम आएगी आगे जाकर आपको। तो चलो ये ब्लॉग को एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर देना। टिल देन स्टे सेफ, पीस, हास्ता ला विस्ता, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड गुड बाय। ये घास के बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, क्या फ़ायदे देता है ये और क्या नुकसान है इसके। चलो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड गुड बाय।